दुनिया में सिर्फ चार ऐसे देश हैं जिनकी पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश से भी ज्यादा है, चाइना, इंडिया, यूएसए एंड इंडोनेशिया। साइज के हिसाब से अगर देखें तो उत्तर प्रदेश के चुनाव किसी देश के चुनाव से कम नहीं है। इस चुनाव में किस पॉलिटिकल पार्टी का क्या दांव पर लगा हुआ है, इसके बारे में बात करेंगे आज। हेलो दोस्तों, मेरा नाम शोएब है और साथ में अभिषेक। नमस्ते। वैसे तो बहुत सारी पार्टीज उत्तर प्रदेश में अपना हाथ आजमा रही हैं, लेकिन हम बात करेंगे बीजेपी, एसपी, बीएसपी और कांग्रेस के बारे में। इन पार्टीज की जीत हार, इन्हें कितनी सीट्स मिलती हैं, कितने वोट, कितना इनका वोट शेयर होता है, इस सब के क्या मायने होंगे, बोथ यूपी में भी और नेशनल लेवल पे भी। बात स्टार्ट करेंगे बीजेपी से, क्योंकि प्रेजेंट गवर्नमेंट बीजेपी की है और जिस पार्टी की गवर्नमेंट होती है दे हैव द मोस्ट टू लूज, क्योंकि अगर वो हारते हैं तो उनकी गवर्नमेंट ही चली जाती है। मैंने कुछ डेटा भी निकाला है, ये पिछले 5 साल का डेटा है सिर्फ उन स्टेट्स का जहां बीजेपी की गवर्नमेंट थी और फिर वहां चुनाव हुए। तो ऐसी स्टेट्स में बीजेपी कितनी जगह एक बार फिर चुनाव जीत के गवर्नमेंट बना पाई, इसके लिए मैं शेयर करता हूं अपनी स्क्रीन। तो ये रिटेंशन रिकॉर्ड है बीजेपी का पिछले 5 सालों में। ऐसी 12 स्टेट्स थी जहां चुनाव बेसिकली हुए, तो अब इन 12 स्टेट्स में 6 ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर बीजेपी ने सक्सेसफुली एक्चुअली रिटेन किया, जिसमें है गोवा, हालांकि वोट शेयर डाउन हुआ लेकिन गोवा बीजेपी ने रिटेन किया। फिर है गुजरात, हरियाणा, यहाँ पे मेजॉरिटी बीजेपी को नहीं मिल पाई इसलिए कोएलिशन करना पड़ा जेजेपी के साथ। फिर है अरुणाचल प्रदेश, बिहार, यहाँ पे बीजेपी सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी रही, फर्स्ट लार्जेस्ट एक्चुअली आरएलडी थी, लेकिन बीजेपी वॉज पार्ट ऑफ दी एनडीए कोलिएशन जो चुनाव के पहले भी एनडीए पावर में थी। उसके बाद है आसाम। तो ये 6 ऐसी स्टेट्स हैं 12 में से जहाँ पिछले 5 साल में चुनाव हुए एंड बीजेपी वॉज एबल टू रिटेन एंड बेसिकली क्रिएट देयर गवर्नमेंट अगेन। इसके बाद 2 ऐसी स्टेट्स हैं जहां इनिशियली तो बीजेपी चुनाव हार गई थी लेकिन बाद में फिर कुछ डिफ्लेक्शंस हुए, जैसे मध्य प्रदेश में हमें पता है कि अराउंड 22 या 21 एमएलएज ने रिजाइन किया था, वो लोग दिल्ली चले गए थे। कहा जाता है कि वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के कैंप के थे, फिर कमलनाथ की सरकार गिर गई और उसके बाद बीजेपी सरकार में आ गई। ऐसे ही कर्नाटका में भी आई थिंक 15 या 16 एमएलएज थे जिसमें 13 कांग्रेस के थे एंड बाकी जेडीएस के थे, जिन्होंने पहले तो रिजाइन किया, फिर वो लोग मुंबई के किसी रिजॉर्ट में चले गए थे और इस सब के बाद वहां पे भी सरकार गिरती है और फिर बीजेपी पावर में आती है। तो 2 ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर बीजेपी इनिशियली हारी थी लेकिन प्रेजेंटली बीजेपी की गवर्नमेंट है, और 4 ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर बीजेपी चुनाव में जब गई थी तब तो उनकी सरकार थी लेकिन फिर वो चुनाव हार जाती है, जैसे राजस्थान, जहां पे इन चारों में एक्चुअली वोट शेयर डाउन हुआ बीजेपी का, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक्चुअली एनडीए की सरकार बन सकती थी लेकिन उसमें शिवसेना ने बैकआउट कर दिया एनडीए कोएलिशन से। तो इस तरह से इन 4 स्टेट्स में बीजेपी रिटेन नहीं कर पाई। अब मैंने ये इसलिए शेयर किया क्योंकि यूपी इलेक्शन जो है वो इलेक्शन वही है जहां बीजेपी अभी सरकार में है और उन्हें बेसिकली रिटेन करना है अपनी, अगर सरकार फिर से बनाना है तो। तो अभिषेक, आपको क्या लगता है बीजेपी अगर वापस जीतती है तो उसके क्या मायने होंगे और अगर हारती है तो उसके क्या मायने होंगे? लास्ट इलेक्शन में बीजेपी ने 312 सीट्स जीती थी 403 में से 312 को, इस बार अगर वो 100 सीट भी हार जाते हैं तो दे विल स्टिल बी एबल टू बी इन मेजोरिटी एंड आराम से गवर्नमेंट बना लेंगे। आपको क्या लगता है अभिषेक? ये जो आपने रिटेंशन की बात की उसी से स्टार्ट करता हूँ। अगर आप यूपी की पूरी हिस्ट्री देखें अभी तक, अगर मेरा नॉलेज सही है तो अगर किसी सीएम ने अगर 5 साल कंप्लीट कर ली है तो अभी तक क्या एक ही ऐसे सीएम हुए जो वापस इलेक्ट होके आए? अगर योगी अभी वापस अगर बीजेपी की सरकार आती तो योगी सेकेंड सीएम हो गए आजादी के बाद से, कि कोई सीएम 5 साल कंप्लीट करने के बाद यूपी में दूसरी बार इलेक्ट हो तो वो सेकेंड सीएम हो गए, अगर मेरा नॉलेज सही है तो ये रिटेंशन है यूपी में। आप देख लीजिए पिछले कुछ सालों जितनी भी रही है, चाहे मायावती की हो, बीएसपी की सरकार हो, समाजवादी पार्टी की हो, रिप्लेस हुई है, तो इस बार एक ये फैक्टर रिटेंशन की जो आपने बात की है। उसके बाद और फैक्टर्स की बात करें
कि क्या हो सकता है इसका, यूपी इलेक्शन का क्या नेशनल पॉलिटिक्स पे असर पड़ेगा, किस पार्टी पे क्या असर पड़ेगा। तो बीजेपी के लिए बात करें तो बीजेपी के लिए यूपी क्यों इम्पोर्टेंट है? एक तो सबसे बड़ा राज्य है, एक देखे तो यूपी, आप देखे तो यूपी का इलेक्शन अपने आप में किसी देश के इलेक्शन से कम नहीं है। काफी रीजन से अलग अलग डेमोग्राफी है वहाँ की, और हर रीजन वाइज देखे जिस तरह से भी इलेक्शन बढ़ चल रहा है, यूपी का मैप देखेंगे तो वेस्ट से इलेक्शन चालू हुआ था, ईस्ट वर्ड आ रहा है, लास्ट फेज का इलेक्शन बाकी है। तो जो वोटिंग हुई है, आपने अगर क्लोजली ऑब्जर्व किया होगा पिछले जब एक महीने से वोटिंग हुई है, तो किस तरह से मुद्दे चेंज हुए। फर्स्ट फेज में कुछ अलग मुद्दे थे वेस्टर्न यूपी में, चूंकि वेस्टर्न यूपी वो एरिया था जहाँ पे जो किसान आंदोलन से ज्यादा इसका असर था, तो वहाँ पे किसानों से रिलेटेड मुद्दे थे। अब जैसे ईस्ट में आ रहे काफी तरह मुद्दे चेंज होते जा रहे, तो एक यूपी का इलेक्शन आप ट्रैक करना, उसके बाद यूपी का जो इलेक्शन पूरे इंडिया की बात करें तो सबसे जो एक मेन फैक्टर होता है कास्ट बेस्ड वोटिंग होती है, तो यूपी में कुछ ज्यादा ही है। जितनी कास्ट है सबकी अलग अलग समीकरण है, सब कास्ट है उनके अलग अलग समीकरण है, तो किस तरह से वो कास्ट वोट करेगी, किस तरह कैंडिडेट रहेगी, किस कास्ट के कैंडिडेट किस कास्ट के कैंडिडेट को किस कास्ट उनसे वोट मिल सकते हैं, वो एक बड़ा फैक्टर रहता है। अब बीजेपी भी क्या असर पड़ेगा, तो सबसे बड़ा जो मेन पॉइंट ये है कि अगर अगर ये चुनाव हार जाती बीजेपी किसी कारण से, तो 2024 से जो चुनाव हो गए उसमें के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा, क्योंकि देखिए कि 80 लोकसभा सीटें आती है और बीजेपी के पास अभी 62-65 सीट्स एट प्रेजेंट लोकसभा की है, जो कि काफी बड़ा नंबर है। बीजेपी की टोटल 300 सीट, उसमें से अगर आप 60 सीट ये एक ही स्टेट से आ रहे हैं, 20% सीट आपके एक ही स्टेट से आ रहे, तो काफी बड़ा नंबर होता है। तो 2024 में एक वो चैलेंज रहेगा। बस मैं एक और पॉइंट मेड करना चाहता हूँ कि हमें जब भी हम देखें तो जो स्टेट के इलेक्शन होते हैं वो अलग मुद्दे पे लड़े जाते हो, लोकसभा के इलेक्शन तो अलग मुद्दे पे लड़े जाते, वो एक पॉइंट है। उसके बाद जो एक और जो फैक्टर है कि इन सभी अभी में यूपी नहीं बाकी जो पांच राज्यों में इलेक्शन हो रहे हैं, अगर उसमें बीजेपी की सीटें एट प्रेजेंट से कम आती है तो उसका राज्यसभा में बहुत इफेक्ट पड़ेगा। आने वाले 7 महीनों में राज्यसभा की 70 सीटें खाली हो रही है। अगर आज की हम सिचुएशन देखें, अगर यही सीटें रहती बीजेपी की यूपी में या दूसरे राज्यों में, तो भी बीजेपी की 5 सीटें कम होने वाली है आने वाले 7 महीनों में राज्यसभा में। अभी बीजेपी एनडीए के पास लगभग 114 सीटें है, उसमें से बीजेपी पर 97 है। अगर 97 में से 5 सीटें कम हो जाएगी, और अगर और नुकसान होता है जैसे यूपी से बड़े राज्यों में नुकसान होता है, जिसमें कि 4 जुलाई को वहां पे 11 सीटें खाली हो रही है राज्यसभा। अगर हम जानते हैं कि जितने आपके एमएलए रहते उसी रेशियो में आपके राज्यसभा के एमपी चूज इलेक्ट होके आते, तो राज्यसभा में नुकसान होगा, कोई भी बिल पास करवाना है। तो अभी बीजेपी किस जैसे राज्यसभा में चूंकि ऑलमोस्ट मेजोरिटी है उनके पास, थोड़ी सी कम है, वो बिल पास करा रही थी, बट अगर उनकी सीटें और कम होती राज्यसभा में तो उनको कोई भी बड़े बिल राज्यसभा में पास कराने में काफी मुश्किल होगी, उनको वाईएसआर कांग्रेस बीजेडी इस पर काफी डिपेंड होना पड़ेगा, ये एक फैक्टर है। उसके बाद जो कि देखिए कि अगर एक योगी की खुद की एक इमेज देखे कि वो अपने आप को एक सेकेंड एक लीडर की तरह बीजेपी में या नेशनल लेवल पे एक अपने आप को एक एक स्थापित करना चाहते, तो उसके लिए उनके लिए इलेक्शन जितना बहुत जरूरी है। ये अगर बीजेपी इलेक्शन हारती है तो उनकी इमेज पे काफी असर पड़ेगा, इलेक्शन जीतती है तो एक योगी की खुद की इमेज के लिए भी एक काफी बूस्ट मिलेगा उनको, और बीजेपी जीतती है तो एक मोमेंटम लेके जाएगी कि आप यूपीएस इलेक्शन स्टेट में या तो मैंने कहा कि शायद दूसरी बार ऐसा होगा कि अगर 5 साल सरकार के बाद वापस इलेक्ट हो गया है तो एक मोमेंटम रहता है, एक सेंटिमेंट रहता है जो कि आपके पास जाएगा। तो एक ये बीजेपी की बात हुई। एक दूसरा फैक्टर भी राष्ट्रपति इलेक्शन में भी को अगर चैलेंज मिल सकता है, अगर यूपी जैसे बड़े राज्य में उनकी सीटें काफी कम हो जाती है तो राष्ट्रपति इलेक्शन जो चुनाव होने वाले हैं अभी जुलाई में, तो उसमें भी इनको अपने सहयोगी दलों पे या दूसरे दलों पे काफी डिपेंड करना पड़ेगा अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए। चुनाव प्रचार जब से स्टार्ट हुए हैं, जैसा आपने बताया दूसरी पार्टियों पे अगर हम आए, तो एक बात क्लियर ये हो चुकी है, चुनाव प्रचार अगर हम सिर्फ इसी को देखें कि सामने विजिबल कौन है, तो विजिबल एसपी ही है, विजिबल अखिलेश यादव ही हैं। यहाँ मैं एक डेटा पॉइंट देना चाहता हूँ, यूपी की विधानसभा में कुल 403 सीट्स हैं जैसा मैंने पहले भी बताया, जिसमें लास्ट टाइम बीजेपी 312 सीट्स जीती थी, एसपी लास्ट टाइम 47 सीट्स जीती थी। अब यहां से वो कितना ऊपर जा सकते हैं वो तो 10 मार्च को पता चलेगा,
यूपी में मेजोरिटी के लिए 202 सीट चाहिए, मतलब अगर एसपी को इस चुनाव में खुद के दम पे जीतना है तो पिछली बार से 155 ज्यादा सीट्स जीतना होगी। ये कितना आसान है कितना मुश्किल है, जैसा मैंने पहले बताया, ये हम बात 10 मार्च को कर सकते हैं या उसके बाद कर सकते हैं, लेकिन क्या हो अगर एसपी ये चुनाव हार जाती है और अखिलेश का करियर कहाँ जाएगा अगर एसपी ये चुनाव जीत जाती है? अभिषेक आप ऐड करें एसपी के बारे में। नहीं, किसी भी जो रीजनल पार्टी होती है, एसपी बात करे कि एसपी अब एक तरह से रीजनल पार्टी, यूपी में ही उनकी एक पहुंच है, भले ही कुछ एमएलए इनके एमपी में भी एक आधी एमएलए, राजस्थान में एक दो एमएलए है इनके, बट मेन एक रीजनल पार्टी है। अगर आप देखें कि 2017 का विधानसभा चुनाव था वो हार गए, 2019 का चुनाव आ रहे, तो अगर कोई भी पार्टी या रीजनल पार्टी अगर ऐसी लाइन से इलेक्शन हार जाए तो उनका सर्वाइवल का क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि कोई भी रीजनल पार्टी तभी सर्वाइव कर पाती जब तो सत्ता में रहती है। अगर लगातार कई सालों से अगर आप 2-3 इलेक्शन हार जाते हैं तो मुझे सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। तो एसपी के लिए सर्वाइवर का है कि अगर हम ये इलेक्शन वो हार जाते तो किस तरह से आगे सर्वाइव कर पाएंगे, पॉलिटिक्स किस हिसाब से रहेगी। दूसरा, अखिलेश यादव के लिए अपने आप को लीडर तक एस्टेब्लिश करने के लिए उनके लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट है। 2012 में जब एसपी जीती थी, इलेक्शन जीती थी, जब विधानसभा का चुनाव उनकी सरकार बनी थी, तो मुलायम सिंह यादव के नाम पे वोट मिले थे, भले ही उन्होंने सीएम अखिलेश यादव को बनाया था। उसके बाद जब वो खुद इलेक्शन लड़े 2017 में तो वो हार गए। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने इलेक्शन लड़ा तो वह हार गए। उन्होंने 2017 में से जो उनकी पॉलिटिक्स, उन्होंने कांग्रेस का गठबंधन करके कोशिश की थी, उसमें उनको सक्सेस नहीं मिली थी। 2019 में उन्होंने बीएसपी के साथ गठबंधन किया था, जिसको कि पेपर बहुत एक बड़ा एक मैथमेटिकली देखेगा पेपर पे एसपी और बीएसपी वोट मिला दे तो काफी एक ऐसा गठबंधन माना जाता है जिसको हारना काफी मुश्किल है। तब भी वो कुछ खास कर नहीं पाया लोकसभा चुनाव में। तो अखिलेश के लिए खुद को ऐसा लीडर एस्टेब्लिश करने के लिए एक उनके लिए सर्वाइवर का क्वेश्चन है। और जो इस तक उनकी पॉलिटिक्स है, जो अभी तक पिछले 2 चुनाव में देखने मिली थी, उस चुनाव में काफी उनकी पॉलिटिक्स देखने को मिली थी कि उन्होंने बड़े पार्टी से गठबंधन नहीं करते, छोटे 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 से पार्टियों के साथ गठबंधन करके कास्ट पॉलिटिक्स पे टारगेट किया कि किस तरह से वो अपने मैथमेटिक्स को या केमिस्ट्री को ठीक कर सकते हैं, उस पर फोकस किया। तो ये एसपी और अखिलेश दोनों के लिए ही सर्वाइवर का क्वेश्चन है कि वो किस तरह से कर पाते हैं। अगर हारते भी है, अगर मार्जिन बहुत कम रहता है, तब भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। अगर बहुत ही जिस तरह से आपने बताया कि लास्ट टाइम 50 से भी कम सीटें मिली थी, अगर ऐसे ही रहता है तो एक बहुत बड़ा सर्वाइवर क्वेश्चन होता है। और अगर जीत जाते हैं तो अभी एक अपोजिशन में एक बड़े लीडर की एक स्पेस खाली है। अभी आप देखें तो वो स्पेस लेने की जो कोशिश कर रहे हैं वो अरविंद केजरीवाल कोशिश कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने जब वेस्ट बंगाल इलेक्शन जीता उसके बाद वो कोशिश कर रहे हैं कि वो एक मेन अपोजिशन का चेहरा बन सके। अगर अखिलेश यादव जीतते हैं तो उनका भी दावेदारी काफी बढ़ जाएगी कि वो भी एक अपोजिशन लीडर, एक मेन अपोजिशन लीडर के का चेहरा बन सके। क्योंकि इसमें बता कि 80 सीट है, आप इतने बड़े स्टेट के अगर सीएम हैं तो एक आप अपोजिशन के लीडर की तरह से अपने आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो उसका ये नेशनल पॉलिटिक्स में भी काफी इफेक्ट पड़ेगा कि क्या अगर एसपी जीतती है तो उसका सीधे से नेशनल पॉलिटिक्स में भी एक ऐसा देखने मिलेगा कौन अपोजिशन लीडर की एक स्पेस जो खाली है वो लेगा। यहाँ पे मैं वोट शेयर की एक बात ऐड करना चाहता हूँ। वैसे तो हमारे यहाँ इलेक्शन रिजल्ट्स जो आते हैं या विधानसभा या लोकसभा में कौन जाके बैठ रहा है उसका वोट शेयर से पे ज़्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं है, वोट शेयर से उस पर कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। अगर कोई किसी को एक वोट भी ज़्यादा मिल जाता है तो वो चुनाव जीत के सीट पे जाके बैठ सकता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट यहाँ पे वोट शेयर इसलिए होता है कि यूपी की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, 22 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन है, वहाँ पे आपका वोट शेयर अगर 10% भी है तो यानी आपको 2 करोड़ से ज़्यादा वोट मिले हैं। ऑब्वियसली 22 करोड़ लोग वोटिंग के लिए एलिजिबल नहीं होते, लेकिन आपको करोड़ों में वोट मिले हैं अगर आपका वोट शेयर 10% भी है, यानी आप एक बड़े नेता हैं जहाँ जिसको करोड़ों वोट मिल रहे हैं। सो वोट शेयर इसलिए इम्पोर्टेंट होता है। और यहाँ पर एसपी अगर 100-150 सीट्स भी लेके आती है और करोड़ों में उनका वोट शेयर जाता है तो इट बेसिकली प्रूव्स कि ये कोई एक पॉपुलर पार्टी है या अखिलेश पहले से बड़े नेता अब हो चुके हैं 47 सीट्स के बाद, सीधे अगर 100 सीट्स पे 150 सीट्स पे भी अगर वो आते हैं। वोट शेयर की बात मैंने इसलिए की क्योंकि लास्ट इलेक्शन में बीएसपी के खाते में मात्र 19 सीट आई थी
वोट शेयर बीएसपी का काफी अच्छा था, और वोट शेयर भले आपको जैसा मैंने बताया कुर्सी ना मिले, लेकिन उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अगर पिछली बार बीएसपी का वोट शेयर जो एसपी के आसपास ही था, अगर बीएसपी मैदान में ही नहीं होती तो फिर ये जो वोट शेयर है, ये जो करोड़ों वोट्स हैं, ये कहीं और जाते। अब कहीं और जाता तो रिजल्ट भी चेंज हो सकता था। तो बीएसपी कहाँ खड़ी है, उनके जीतने या हारने के क्या मायने होंगे, वो अपना वोट शेयर अपने पास रखते हैं तो उससे क्या होगा, अभिषेक आपको क्या लगता है? आपने जो वोट शेयर की बात की उसी से मैं स्टार्ट करूंगा। बीएसपी का एक कोर वोटर है, जिसे कहना है कुछ भी इलेक्शन का रिजल्ट रहे, कैसा भी इलेक्शन हो, 2014 की बात कर रहे, 2019 की बात, 2014 की बात करे, 2019 की बात करे या 2017 की बात करे, तो जो बीएसपी का वोट शेयर है, सीटें बड़ी कम हुई पर वोट शेयर का एक एक जो जो कोर वोटर है उतने इनका वोट शेयर रहा है, क्योंकि कोर वोटर कभी इनको छोड़ के नहीं गया है। जो जिस एक 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 वोट बैंक को जो बीएसपी टारगेट करती है वो हमेशा जुड़ा है। इस बार भी बोला जा रहा है कि भले ही मीडिया में नहीं दिख रही है, भले आपको दिख नहीं रहा है कि बीएसपी चुनाव लड़ रही है, बट उनका वोट शेयर वो इंटैक्ट रहेगा। बट उस सीटें कितने मिलेगी वो अलग है, बट वोट शेयर बीएसपी का कहीं नहीं जाने वाला है, बीएसपी का वोट शेयर वही रहेगा। 2007 में जब बीएसपी की सरकार बनी थी तब उनका क्या था कि जो वोट शेयर है, अभी तो वोट शेयर यही था, उन्होंने इंटैक्ट रखा था। साथ में एक स्टेपनी वोट शेयर अलग अलग जोड़ लिए थे उन्होंने, यानी कि एक कास्ट ग्रुप से उन्होंने एक कुछ वोट ले लिया, दूसरे कास्ट ग्रुप से दूसरा वोट ले लिया, तो एक मेन उनका एक वोट था, उसके साथ कई स्टेपनी उन्होंने वोट शेयर जोड़ लिए थे, जिस वजह से सरकार बना पाए थे। इस बार भी यही रहेगा कि अभी आपको लग रहा है कि मायावती इलेक्शन में नहीं है, कि कोई फाइट में नहीं दिख रही, बहुत कम रैली दिख रही, एक्टिव नहीं है बीएसपी, तो एक्टिव नहीं है, बट इनका वोट शेयर आप देखेंगे इतना ही रहेगा जितना लास्ट इलेक्शन में था। थोड़ा बहुत कुछ कम ज्यादा हो सकता है, पर जो वोट है इतने ही रहेंगे। सीटें देखना पड़ेगी कितने आएगी, बाकी अब क्या बीएसपी का आगे का फ्यूचर है, कहाँ देख रही बीएसपी, क्या उनकी प्लानिंग है, इस इलेक्शन देखे तो समझ में नहीं आ रहा है। अब देखते हैं रिजल्ट आता है तो क्या रहता है। बीएसपी ये होप करती है कि अगर किसी को भी मेजोरिटी नहीं मिलती, ना बीएसपी को मिलती ना एसपी को मिलती है, तो वो एक किंग मेकर का एक रोल प्ले कर सकती है। किसके साथ जाएगी, जहां उसको बेनिफिट रहेगा, जहां से ज्यादा उनकी डिमांड पूरी होगी, वो वहां पे जाके कोशिश करेगी, वहां से वो बेनिफिट लेने की कोशिश करेगी। तो बीएसपी का बस यही टारगेट है कि हमारा वोट शेयर जो है, हमारे जो मेन कोर वोटर है, उसको साथ में रखे, और अगर ऐसी सिलेक्शन ऐसी सिचुएशन आती कि हम असेंबली बनती है, तब हम अपनी जो बेनिफिट है उसको मैक्सिमाइज कर सके। और ये कोई मतलब सरप्राइज नहीं होगा अगर ऐसा होता है तो, क्योंकि हमने देखा पिछले 5 साल के स्टेट इलेक्शंस में, वहां पे एक एग्जांपल कर्नाटका का भी था। कर्नाटका में जेडीएस तीसरे नंबर की पार्टी थी, लेकिन जब स्टेट इलेक्शन का रिजल्ट आया तो जेडीएस के ही नेता आगे चल के कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर बने। भले कुछ टाइम के लिए सही, लेकिन वो एक किंग मेकर रहे, किंग मेकर भी रहे और किंग भी रहे, जो उन्होंने कहा भी था। खैर लास्ट में बात कर लेते हैं उनका स्टेटमेंट, आई एम नॉट किंग मेकर, आई एम अ किंग, आई एम अ किंग, करेक्ट, तो वो किंग बने भी। लास्टली बात कर लेते हैं कांग्रेस की। पिछले चुनाव में कांग्रेस को मिली थी 7 सीट्स, सिंगल डिजिट 7। उसके पहले वाले चुनाव में, यानी 10 साल पहले, कांग्रेस को मिली थी 28 सीट्स। तो कांग्रेस यूपी स्टेट इलेक्शन में एक मार्जिनल प्लेयर है, बट इस बार प्रियंका गांधी मैदान में है, क्या उससे कुछ फर्क पड़ सकता है, क्या लगता है अभिषेक? आजकल ना एब्रीविएशन का काफी यूज किया जाता है किसी इलेक्शन को जीतने के लिए, आपको 3N और 1K लगता है। 3N कौन कौन से, एक तो नेता, आपके पास एक नेता होना चाहिए, चेहरा होना चाहिए। दूसरा एन होता है नरेटिव और नारा, और एक के जो होता है वो कार्यकर्ता। अब कांग्रेस की सिचुएशन ये है कि यूपी की बात करे या पूरा इस इंडिया की पॉलिटिक्स की बात करे, तो उनके पास नेता की कमी थी। यूपी में प्रियंका गांधी आई तो एक नेता देने की उन्होंने कोशिश की, हाँ ये हमारी नेता है, बट नरेटिव नारा और कार्यकर्ता इस पे अभी भी कांग्रेस काफी एक देखे तो काफी पीछे है। नरेटिव कांग्रेस ये सेट करने की कोशिश करी थी प्रियंका गांधी आई कि हम 33% सीट्स महिलाओं को देंगे, हम महिलाओं के लिए ये करेंगे, ना महिलाओं के एक 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 सेंट्रिक अपनी पूरा नरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे, बट क्या ये नरेटिव चल पाएगा, ये एक एक, एक बड़ा क्वेश्चन है कि जो महिला सेंट्रिक नरेटिव वो चल पाएगा। नारा अभी भी कुछ नहीं दिख रहा है कि जिस तरह से नारा होता है, जैसे भी बीजेपी नारा चला रही है मोदी योगी यूपी में, पहले चलाया था कि आपकी बार मोदी सरकार, जो ऐसा नारा जो लोगों को क्लिक कर दिमाग में जाता है, ऐसा नारा अभी तक कांग्रेस नहीं दे पाई। और जो 1K है कार्यकर्ता,
जमीनी कार्यकर्ता है कि जो इन सब चीजों को एग्जीक्यूट करते हैं, आपका नैरेटिव है, आपका जो नारा है उसको आप एक एंड वोटर तक पहुंचाते, वो कार्यकर्ता काम करते हैं। तो एक कार्यकर्ता का बेस काफी कांग्रेस का वीक हो गया है। प्रियंका गांधी ने काफी कोशिश की है कि यूपी में कांग्रेस को वापस रिवाइव करे, वापस में जान फूकने की कोशिश करी है, पर कितना सक्सेस होगा ये इसके सब पे डाउट है। अगर ये इलेक्शन अगर वो कांग्रेस बहुत कम सीटें मिलती जितनी सरकार तो बना नहीं पाएगी कांग्रेस, जितनी उम्मीद है या जितनी लास्ट टाइम मिली थी उससे कितनी ज्यादा कम सीटें मिलती है। और ये देखना होगा कि ये इलेक्शन ठीक है जितनी भी सीटें मिले, आगे प्रियंका गांधी की क्या स्ट्रेटेजी रहती है, कितनी जितनी एनर्जी अभी दे रही है क्या वो आगे देगी, जितना टाइम दे रही है, कितनी रिसोर्स दे रही है, उसी तरह से वो काम करेगी यूपी में। अगर करती रही तो आगे के इलेक्शंस में 2024 के लोकसभा इलेक्शन में या उसके बाद जब विधानसभा के चुनाव हो गए 2027 के, तब फायदा हो सकता है। अभी कांग्रेस के चांसेस बहुत कम है यूपी में कि कुछ बड़ा वो कर सके। वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कांग्रेस स्टेट इलेक्शन से ज़्यादा नेशनल इलेक्शन को टारगेट कर रही है जितनी भी उनकी एक्सरसाइज है उस सब को लेकर। और हो सकता है जैसा आपने कहा 2024 में क्या होता है, क्या प्रियंका गांधी वाड्रा खड़ी होती है अमेठी या रायबरेली की सीट से, वो तो खैर 2024 में ही पता चलेगा, वो नेशनल इलेक्शन में पता चलेगा, अभी बात हो रही है स्टेट इलेक्शन की। इसमें एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा कि जो भी आपको सुनने में मिल रहा है कि ये क्या रिजल्ट रह सकता है, ये हो सकता है, इस बार का जो यूपी का रिजल्ट रहेगा, जो मेरा खुद का एनालिसिस, आपको सरप्राइज करेगा, दोनों साइड सरप्राइज कर सकता है वो, क्योंकि कोई भी इलेक्शन होता है, एक तो लहर का इलेक्शन होता है, आपको सामने सब सब पता पड़ता है कि नहीं ये एक मोमेंटम इस पार्टी तरह भी इसकी इस पार्टी के रह रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो भी एक इलेक्शन होगा आप देखिए कि हर कोई अलग अलग प्रेडिक्ट कर रहा है, जो कि एक सरकार के तरफ के जो एक मीडिया ग्रुप रहता है जो सपोर्टर्स है वो कर रहे कि इस बार 300 प्लस जाएगी, जो अपोजिशन जो एक जो क्रिटिक्स है सरकार के वो ये प्रेडिक्ट कर रहे कि इस बार सपा 250-300 के ऊपर जाएगी। बट रिजल्ट जब भी आएगा ये काफी सरप्राइजिंग रिजल्ट होगा, क्योंकि जब कोई एक पूरे स्टेट में या कहीं भी आपको दिखता है कि कोई एक एक, एक लहर नहीं है तो काफी सरप्राइजिंग रिजल्ट आते हैं। तो जब भी रिजल्ट आएंगे 10 मार्च को वो डेफिनेटली काफी सरप्राइजिंग रहेंगे, जो हम सोच रहे हैं, जो मीडिया में बातें चल रही है, जो आपस में बात चल रही है, उससे काफी डिफरेंट रिजल्ट आने वाले यूपी के। और रिजल्ट भी ज्यादा दूर है नहीं, अगले हफ्ते हम रिजल्ट के बारे में ही बात करेंगे। तो इस बार के कॉन कॉल में इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।